बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम फिर आपको यहां पर जो है चौक यादगार या पेशावर घंटा घर के इलाके में लाए हैं। यहां की कुछ ट्रेडिशनल फूड्स थी जो कि हमसे रह गई थी। बेसिकली यहां पर तो जो है ना पूरा ही जो है ना एक फूड स्ट्रीट ही बना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमने हमें बाज़ दोस्तों ने मतलब रिकमेंड की थी, तो आज हम उसके लिए आए हैं। आए हमारे साथ। इसमें एक जो चीज़ है वो है वड़े। ये पकौड़े नमा होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी से होते हैं। तो अभी जानते हैं भाई से, जो मतलब एक यहाँ के मशहूर हैं इसी के लिए, कि कैसे बनाते हैं ये, किस चीज़ से बनते हैं ये? ये जी पे, अच्छा वो दाल अदरक पे, अच्छा और मसाले मसाले ये देख लें। अगर आप देख लें ये काफ़ी जो है ना सॉफ्ट हैं, इसमें जो है ना आपने सुन लें पेम और बाकी मसाले और दालें वगैरह डालते हैं। तो इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। वाह, ये तो वाकई अभी तक हमने नहीं खाया था। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में ही डालते ही घुल जाए, और स्पाइसेस भी जो है ना बिल्कुल मुनासिब, इंतहाई मज़ेदार। तो ये किस टाइम से किस टाइम तक होते हैं, ताकि फिर कम टाइम पर आए? 4:30 बजे 12:00 आज जल्दी शाम होगा। अच्छा, आज हम थोड़े लेट हो गए, लेकिन फिर भी हमें लकीली दो पीसीस मिल गए। तो टेस्ट इसका, इसमें ये पैन जो है परसंडा भी इसको कहते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही। अब देखते हैं आगे क्या है। तो हमने खा लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के थे। अभी हम घंटा घर में ही हैं, और यहाँ पर एक स्पेशल आइटम है, चूँकि घंटा घर जो है ना पेशावर की फ़िश की मेन मार्केट है, तो उस वजह से जो है ना यहाँ पर फ़िश की वैरायटी आपको काफ़ी मिलती है। और अभी हम यहाँ पर आए फ़िश तवा फ्राई खाने। ये बहुत पुराना है, पहले जो है ना यहाँ पर ये जो घंटा घर है इसके नीचे ही बैठते थे, ठीक है। अभी जो है ना वहाँ से शिफ्ट होके ये भाई बल्कि बाबा जी जो है ना यहाँ पर आ गए। तो आप भी इसके चस्के देखें और हम भी इसके चस्के देखते हैं। तो आइए हमारे साथ। फ्रेश फ्राइड फिश हमारी आ गई है, अभी जो है ना ये हम टेस्ट करेंगे कि इसका जायका कैसा है, आपको बताएंगे कि कैसा है। बिस्मिल्लाह, वाह, अगर आप देख लें ये बिल्कुल ही जो है ना फ्रेश तो है ही, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना मतलब है कि प्रॉपरली कुक है, काफ़ी सॉफ्ट बन चुकी है। इसके साथ इन्होंने ये दिया है सिरका, तो बहुत ही मज़े की है। जैसे कि बिल्कुल इसमें चूंकि मतलब है कि पीस भी बड़ा है, तो कांटों की भी झंझट नहीं है,
अगर देख ले आप ये टच करते ही बिल्कुल अलग हो जाती है। इसके साथ जो है ना फिर एक स्पाइसी सा बाइट बनाते हैं। दूसरी बात ये कि इतना नरम इतना सॉफ्ट बन चुका है कि वो मुंह में डालते ही अंदर घुल जाता है और हर एक जो है ना मतलब कि प्रॉपर जो है ना वो मसाला इतना अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है कि उसका जो है ना मतलब है कि जायका आपका ओवरऑल आपके जायके में आता है। फ़िश हमने खा ली, फ्राई फिश, और मैं किसी की मतलब ये कि मतलब वगैरह हमने पे किया, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि इससे बेहतरीन फ्राइड फिश अभी तक कम अज़ कम मैंने पेशावर में नहीं खाई, बहुत बेहतरीन है। और ये जो है साहब बैठते हैं, ये बाबा जी जो बैठते हैं, ये आप घंटाघर देख रहे हैं, इस घंटाघर के साइड पे ही यहाँ पर जो है ना मतलब जैसे आप अंदर होते हैं तो वो नीचे जो है ना ज़मीन पर ही उन्होंने तवा लगाया हुआ है और वहीं पर जो है ना ज़मीन पर ही वो तवा फ्राई करते हैं जो आम चूल्हा होता है उससे, लेकिन जायका लाजवाब। तो 10 में से 10 नंबर में दूंगा इसको। कैसे हैं ठीक है? ये अभी हम आ गए हैं बाटा कीर कुल्फी फालूदा के पास, और ये भी पेशावर के जो कदीम फालूदा शॉप्स हैं उनमें से एक है। घंटा घर आए हैं और इनकी जो है ना फालूदा या जो क्या कहते हैं कुल्फी फालूदा है वो ना खाएं तो ये हो ही नहीं सकता। तो आए चेक करते हैं इसका भी चस्का। इसमें स्पैगेटीज डाल दिए कुल्फी के बाद, और आगे देखें। अच्छा, ये इसमें शुगर सिरप ये डाल दिया, चीनी शरबत देखा, हाँ शीरा, ये शुगर सिरप। और अभी इसमें ये क्या चीज़ है? खोया दूध जी। खोवा? हाँ जी, खोया दूध। खोवा? हाँ दूध। अच्छा, ये हमारी कुल्फी फालूदा आ गया है, तो अभी अभी देखते हैं इसका चस्का। काफ़ी कुछ स्पेशल किस्म का है। ये अगर आप देख लें इसमें इन्होंने स्पैगेटीज भी डाली हैं, ये खीर भी है, खोवा भी है, कुल्फी भी है, तो काफ़ी स्पेशल किस्म की जो है ना एक डिज़र्ट बन गई है। तो अभी इसका देखते हैं चस्का, थोड़ा सा ये जो है ना इसको हम मिक्स कर लें। वाह 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 वाह, मैं बिल्कुल जो है ना स्पीचलेस हो गया हूँ, कितना ज़बरदस्त जायका बाकी है। मैंने जो है ना मतलब ये कि फर्स्ट टाइम है, बहुत ज़बरदस्त है। और खोवा और इस तरह मतलब ये कि हर चीज़ वो देसी घी की टाइप का जो है ना वो टेस्ट आपको आ रहा है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। ये भी चौक यादगार या घंटा घर फूड स्ट्रीट का जो है ना एक मस्ट ट्राई आइटम है, बाटा कुल्फी फालूदा, बाटा खीर कुल्फी फालूदा। जब भी आना हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो इन्होंने खीर डाली है इसका जो है जायका कुछ इससे लाजवाब हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसी के साथ आज का हम एपिसोड ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपना फीडबैक हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।